नमस्कार दोस्तों, आज हम आप लोगों को बताएंगे कंप्यूटर के कितने भाग होते हैं। जी दोस्तों, तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर के निम्न भाग होते हैं दोस्तों, पहला है इनपुट डिवाइस, दूसरा है आउटपुट डिवाइस, तीसरा है दोस्तों प्रोसेसिंग डिवाइस और चौथा है स्टोरेज डिवाइस। तो दोस्तों इन सभी का परिभाषा हम बताएंगे आज आप लोगों को। तो दोस्तों पहला हेडिंग है इनपुट डिवाइस। जी दोस्तों, इनपुट डिवाइस वे डिवाइस होते हैं जिसके माध्यम से डाटा को कंप्यूटर में डाला जाता है। यूजर कोई भी निर्देश कंप्यूटर में डालने के लिए इन डिवाइस का उपयोग करता है। जी दोस्तों, और दोस्तों एग्जांपल है माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, टच स्क्रीन, बारकोड रीडर और दोस्तों लाइट पेन। दूसरा हेडिंग है दोस्तों आउटपुट डिवाइस। जी दोस्तों, आउटपुट डिवाइस इसको हम बताते हैं, ये वो डिवाइस होते हैं जिनके माध्यम से डाटा को आउटपुट रिजल्ट के रूप में प्राप्त होता है। यूजर द्वारा इनपुट किया गया डेटा प्रोसेस होकर आउटपुट डिवाइस में डिवाइस के माध्यम से रिजल्ट के रूप में डिस्प्ले होता है। ये दोस्तों, और इसका एग्जांपल है दोस्तों प्रिंटर, मॉनिटर, प्रोजेक्टर, स्पीकर, एलसीडी। एलसीडी का फुल फॉर्म होता है दोस्तों लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। दोस्तों तीसरा हेडिंग है प्रोसेसिंग डिवाइस। यह डिवाइस कंप्यूटर की सबसे महत्वपूर्ण डिवाइसों में से एक है। इसके द्वारा कंप्यूटर की सारी इनपुट, आउटपुट और स्टोरेज डिवाइस जुड़े होते हैं। प्रोसेसिंग डिवाइस सीपीयू को कहते हैं, जैसे सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है। इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। इसके तीन भाग होते हैं एलयू, सीयू, एमयू। तो दोस्तों एलयू का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, सीयू का होता है दोस्तों फुल फॉर्म कंट्रोल यूनिट और एमयू का फुल फॉर्म होता है दोस्तों है मेमोरी यूनिट। तो दोस्तों एलयू का परिभाषा हम बता रहे हैं पहले। तो यह सीपीयू का एक भाग है जिसमें कंप्यूटर को अंकगणितीय गणनाएं की जाती है। जितने भी कंप्यूटर और जटिल समस्याएं होती हैं वे सभी एलयू के द्वारा ही परफॉर्म किया जाता है दोस्तों। दूसरा है सीयू, सीयू यानी कि कंट्रोल यूनिट। तो दोस्तों इसका यूज यूजर द्वारा दिए गए निर्देशों को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। इनपुट, आउटपुट और स्टोरेज डिवाइस का कंट्रोल इन्हीं कंट्रोल यूनिट के द्वारा किया जाता है दोस्तों। ईएमयू दोस्तों मेमोरी यूनिट का प्रयोग, इसका यूज कंप्यूटर में स्टोरेज यानी कि भंडारण क्षमता से होता है। कंप्यूटर में डेटा को स्टोर करने और उसे दोबारा से प्राप्त करने के लिए एमयू का यूज किया जाता है। इसके दो भाग होते हैं दोस्तों प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। चौथा है दोस्तों स्टोरेज डिवाइस। तो दोस्तों स्टोरेज डिवाइस से तात्पर्य कंप्यूटर के डेटा को सुरक्षित करने से होता है। डेटा को कंप्यूटर में स्टोर करने के लिए स्टोरेज डिवाइस का यूज किया जाता है दोस्तों। ये दो प्रकार का होता है, पहला इंटरनल स्टोरेज डिवाइस और दूसरा एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस। तो दोस्तों अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में बताएं कि ये वीडियो कैसा रहा। धन्यवाद।